डिफरेंशियल कैलकुलस का कोर्स करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस उसका बेसिक कोर्स हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहली बात आती है इसका मोटिवेशन क्या है। तो जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जो मोटिवेशन फॉर दिस कैलकुलस, तो पहली प्रॉब्लम जो मोटिवेट करती है हमें उसका नाम है टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम। टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम, टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा। ये प्रॉब्लम क्या कहती है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है। इसको हम बोल रहे हैं एफ एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारा फंक्शन है और इसका ग्राफ इस तरह से दिया हो। तो प्रॉब्लम है कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज टेंजेंट टू एफ एक्स एट सम पॉइंट। इसका मतलब कोई एक पॉइंट एक्स इक्वल टू सी गिवन है हमें, यहां पर हमारे पास पॉइंट सी गिवन है और इस सी के लिए इस पॉइंट पर ये इसको हम एफ सी कहेंगे। तो हमें ये पॉइंट मिला सी कॉमा एफ सी, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। टेंजेंट मींस दिस लाइन। इसको करने के लिए पहले हम देखें टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट को डिफाइन करते हैं, एक स्पर्श रेखा क्या है। अगर हम इंट्यूटिवली देखें, ज्योमेट्रिकल फिगर है हमारे पास, यहाँ पर क्या नजर आता है, हमें नजर आ रहा है कि ये जो फंक्शन f था इसका ग्राफ के किसी एक पॉइंट जो कि सी कॉमा एफ सी है, ये लाइन जिसका नाम मैं l देता हूं, ये लाइन केवल एक पॉइंट पर टच करती है और हम इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो इंट्यूटिवली ये है कि अगर फंक्शन के ग्राफ को लाइन केवल एक पॉइंट पर टच करे उसको हम टेंजेंट कहेंगे या स्पर्श रेखा कहेंगे। इसको प्रिसाइज डेफिनेशन कैसे देते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मान लेते हैं एक हम दूसरा फिगर बनाते हैं यहां पर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दूसरा फिगर बनाते हैं सेम यही, मान लेते हैं ये हमारा एफ है, यहां पर पॉइंट सी था, इस सी के अराउंड, इस सी के नेबरहुड में, इसके आसपास हम एक दूसरा पॉइंट सी प्लस एच लेते हैं, थोड़ा और दूर ले लें, यहां ले लेते हैं सी प्लस एच। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एफ सी था दिस इज एफ सी और ये एफ सी प्लस एच है और हम यहां से इन दोनों लाइन को मिलाते हैं। ओके ये जो लाइन एल मुझे बन मिलती है इसका नाम मैं एल सी प्लस एच बोल देते हैं, इस लाइन को सीकेंट कहते हैं, दिस इज सीकेंट।
ठीक है। अब जैसे जैसे ये एच सी के करीब आता जाएगा, जैसे जैसे ये एच, ये सी प्लस एच जो है ये सी के करीब आएगा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये एच जीरो को जा रहा है। जैसे जैसे हम एच की वैल्यू कम करते जाते हैं, ये सी प्लस एच जो है सी को आएगा, और हम देखते हैं ये वाली लाइन पर क्या फर्क पड़ेगा। इसको मैं दोबारा यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा कुछ था, ये हमारा यहां सी है के, सी प्लस एच है, थोड़ा और सही बना ले, जब मैं ये सी प्लस एच को सी की ओर लाऊंगा, अब हम यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं ये सी प्लस एच वन है, तो सी प्लस एच वन में हमारे पास लाइन इस तरह से बनी, एल सी प्लस एच वन। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है ये और करीब है हमारे पहले जो हमारा जो ये ग्राफ था एफ एक्स के, और जैसे जैसे ये एच जीरो को जा रहा है, ये वाली लाइन केवल एक, हम देख पाएंगे कि ये वाली लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी, और वो कैसे होगा, वो होगा सी सो फाइनली हमें ये लाइन एल मिलेगी, और जिसे हम टेंजेंट ऑफ एफ एट पॉइंट सी बोलेंगे। सो दिस एल इज, दिस एल इज tangent at tangent of f at x equal to c, ठीक है यहां तक। ये हमारा एक मोटिवेशन था, एक प्रॉब्लम थी जो हमें मोटिवेट करती है लिमिट की ओर और कैलकुलस की ओर। दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो इसका मोटिवेशन आता है दूसरा प्रॉब्लम, उसे हम कहते हैं एरिया प्रॉब्लम, उसका नाम है एरिया प्रॉब्लम। देखें कैसे वो मोटिवेट करता है हमें। एरिया प्रॉब्लम, एरिया प्रॉब्लम क्या कहता है, हमें एक कोई फंक्शन गिवन है f, उसका ग्राफ हम जानते हैं, कोई भी फंक्शन हमें गिवन है जिसका ग्राफ हम जानते हैं, और हमें इस x एक्सिस पर एक इंटरवल गिवन है a कॉमा b। प्रॉब्लम कहती है कि इस फंक्शन के ग्राफ और ये जो इंटरवल ए कॉमा बी है इसके बीच का एरिया फाइंड करो। सो ये फाइंड हमें करना है, फाइंड एरिया स्क्राइब बाय फंक्शन f एंड द इंटरवल ab, एंड द इंटरवल a कॉमा b। इसको करने के लिए
फिर से हम जैसे सिकेंट वाले टेंजेंट वाले केस में चले थे, हम सिकेंट को हम सी प्लस एच को धीरे धीरे सी की ओर लेके आ रहे थे, यहां पर भी हम कुछ ऐसा करेंगे लेकिन थोड़ा अलग है। हमें ये ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का एफ, हम क्या करते हैं ए और बी का, ए और बी को फाइनाइट पार्टीशन करते हैं। इसका पार्टीशन मीन्स इसको एक बराबर पार्टीशन मीन्स हमें ए कॉमा बी गिवन है, वी टेक ए पार्टीशन दिस, वी टेक ए पार्टीशन पी, इसको हम लेते हैं दोज पॉइंट जिसको हम ए को एक्स नॉट कहेंगे, एक्स नॉट से बड़ा एक पॉइंट एक्स नॉट प्लस एच जिसको हम एक्स वन नाम देंगे, उससे बड़ा पॉइंट लेंगे एक्स वन प्लस एच जिसको हम नाम देंगे एक्स टू, और ऐसे बढ़ते जाएंगे और हमें एक पॉइंट लास्ट मिलेगा एक्स एन जिसको हम भी कहेंगे। तो ये हमारा पॉइंट एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, एक्स टू है, और ये वाला पॉइंट एक्स एन है, ठीक है। तो हमें क्या नजर आता है, देखो एक्स वन और एक्स नॉट के बीच की दूरी एच है, यहां से एक्स टू और एक्स वन के बीच की दूरी एच है, तो हमने बराबर पार्ट में इस इंटरवल को डिवाइड करा। अब हम क्या करेंगे, इस रीजन को, ये जो भी रीजन है इसका एरिया हमें निकालना है, इसको हम डिवाइड करते हैं ऐसे, क्योंकि हम रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, हम इसको एक सेम जिसकी जिसका ब्रेथ सेम है उस रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हें नजर आ रहा होगा, इस तरह से हमने इसे डिवाइड किया। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसका एरिया हम जानते हैं, इस पार्ट का एरिया जानते हैं, इसका एरिया हम जानते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, सारे रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, जितना भी एरिया हमने लिया उनको ऐड कर देंगे एंड रेक्टेंगल का एरिया। तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली कुछ पार्ट का एरिया निकाल चुके हैं। बचता कौन सा पार्ट है, ये देखिए, ये ऊपर का पार्ट बचता है, ये वाला पार्ट बच रहा है, ये देखो यहां देखेंगे ध्यान से तो ये पार्ट बचता है, तो इसका एरिया हमने इंक्लूड नहीं किया, तो अभी हमें ये पूरे रीजन का एरिया नहीं मिला है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पार्टीशन को और इस एच को और छोटा करेंगे जिससे कि पार्टीशन बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे, यहां पर ए है, यहां पर बी है, ठीक है, हम इसको और छोटा कर देते हैं, हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं पूरा, यहां भी है मान लेते हैं, यहां पर है। तो अब हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, जो ये वाले रीजन है जो बच रहा था वो और कम हो गया, वो और कम होता जा रहा है, बार बार ये कम होता जा रहा है, तो जो अभी हम यहां से एरिया निकलेगा और इन सब को हम सम करेंगे तो वो एरिया इस एरिया से बड़ा होगा, यहां पर जो एरिया निकला हमारा, और वो इस एरिया के अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इन दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करें और इन दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन में कम वैल्यू मिलेगी,
यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ये वाले पार्ट, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पार्ट छूटा हुआ है, यहाँ पर बहुत कम पार्ट छूटा है, तो इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं इस एरिया को इस एरिया के बराबर। तो और जैसे जैसे हम ये एच को और कम करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम इस एच को इस पार्टीशन के लिए, अगर एच हमारा जीरो की ओर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे रीजन का एरिया निकाल पाएंगे। सो दिस मीन्स एच गोज टू जीरो वी गेट द एरिया ऑफ दिस रीजन आर, लेट अस कॉल दिस आर, एरिया ऑफ द रीजन आर। ये दूसरी प्रॉब्लम थी जिसे हम एरिया प्रॉब्लम कहते हैं, और ये दोनों ही प्रॉब्लम कैलकुलस को ये मोटिवेटेड है बाय कैलकुलस। जो पहली प्रॉब्लम है उससे जो कैलकुलस आए कि उसे हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं, और जो कैलकुलस इससे ओरिजिनेट होती है उसको हम इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम गिव्स टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम गिव्स टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम दिस गिव्स डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस। और जो एरिया प्रॉब्लम है, एरिया प्रॉब्लम ये क्या दे रही है, इंटीग्रल कैलकुलस। और जो हम इस लेक्चर में बात करेंगे वो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं। तो हम एक सबसे पहले हिस्ट्री से बात करते हैं, कहां से इसकी हिस्ट्री रही है और कैसे कैसे बढ़ा आगे। कैलकुलस की हिस्ट्री बहुत पहले से, ईसवी पूर्व से हम ग्रीक मैथमेटिशियन जो हैं वो इसको करते हुए आए हैं। उनमें से एक मैथमेटिशियन का नाम था जीनो। ये मैथमेटिशियन 425 ईसवी पूर्व थे, 425 और 450 ईसवी पूर्व, जीनो ऑफ, ये लगभग 450 ईसवी पूर्व थे। इन्होंने एक पैराडॉक्स दिया, इन्होंने एक प्रॉब्लम दी, इन्होंने बोला कि मान लो हम एक स्थान से ए से दूसरे स्थान बी में जाना चाहते हैं, इस स्थान ए से इस स्थान बी में हम जाना चाह रहे हैं, कैसे जाएंगे। तो इन्होंने हमें पैराडॉक्स दिया, इन्होंने बोला कि हमें ए से बी में जाने के लिए पहले इसकी आधी दूरी तय करनी पड़ेगी, हम यहां से यहां जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहां से यहां पहुंच पाएंगे, हम B1 में जाएंगे, जो कि B1 क्या है, B1 इसका मतलब है V-A/2, इसका आधा। और B1 में जाने के लिए हमें पहले इसके आधे में जाना पड़ेगा V2, इसका मतलब क्या है, B1-A/2, लेकिन B2 में जाने के लिए फिर से उसके हाफ में जाना पड़ेगा, B3 क्या है, B2-A/2। अगर हम ध्यान से देखें, हम ऐसा करते जाएंगे, हर बार हम उसके आधे में जा रहे हैं, और आधे में जाने के लिए B3 में पहुंचने के लिए उसके आधे में जाना पड़ेगा B4 में, B4=B3-A/2। अगर हम यही स्टेप करते रहे, हम इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ये करते जाएंगे, लेकिन हम अगर इस तरह से हम चलेंगे तो हम कभी भी बी पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम इनफाइनाइटली मेनी टाइम हमें ये स्टेप करते जाना पड़ेगा और हम बी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये पैराडॉक्स क्या कहता है, ये पैराडॉक्स जीनोज पैराडॉक्स, ये
ये प्रदर्शित करता है कि जो ये डिस्टेंस इज नॉट ए डिस्क्रीट थिंग, मतलब कि ये सब डिस्क्रीट को हम ऐसे देखेंगे, मीन्स एक चीज यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, हम ऐसे नहीं। वो कहता है कि डिस्टेंस एक यूनिफॉर्मिटी है, एक कंटिन्यूटी है वहां पर, जिसको अभी हम दिखाएंगे क्या चीज है। तो ये इस पैराडॉक्स ने एक नए नोशन को जन्म दिया जिसको हम कंटिन्यूस पाथ और कंटिन्यूस फंक्शन के तौर पर देखते हैं। ठीक है, सो इसको डिस्टेंस की जगह आप हम कह सकते हैं इसको पाथ। तो पैराडॉक्स क्या इंप्लाई करता है कि पाथ एक डिस्क्रीट चीज नहीं है, अगर होता तो हम कभी भी ऐसे बी में पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी, ये 450 ईस्वी पूर्व इन्होंने ऐसा बोला। इसके बाद आर्किमिडीज, सो जिनों के बाद आर्किमिडीज आए। आर्किमिडीज ने जो ये 250 इन्होंने ये लगभग 225 ईस्वी पूर्व थे, इन्होंने कैलकुलस का यूज करके, उसका नाम उस समय हम कैलकुलस नहीं कह सकते हैं, इन्होंने हमें वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, इन सब का इन्होंने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इनका फॉर्मूला इन्होंने दिया। इसके बाद 16th सेंचुरी तक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, और 16th सेंचुरी में 16th सेंचुरी के बाद न्यूटन एंड लीबनिट्ज, दो मैथमेटिशियन, इन्होंने अलग अलग अपना कैलकुलस को, इन दोनों ने, लीबनिट्ज की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, LEIBNIZ, लीबनिट्ज और न्यूटन ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस को विकसित किया, डेवलप किया। न्यूटन अभी जो हम नोटेशंस पढ़ते हैं वो लीबनिट्ज के नोटेशन ज्यादा हैं रादर देन न्यूटन के। न्यूटन के नोटेशंस हम फिजिक्स में ज्यादा यूज करेंगे, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में वो लीबनिट्ज के नोटेशंस हैं। इन दोनों ने किसी फंक्शन का, इन्होंने फंक्शन के तौर पर कैलकुलस नहीं किया, इन्होंने इन्फाइनाइटिजमल फॉर्म के तौर पर कैलकुलस को किया। इनके बाद 19th सेंचुरी में कॉसी, वेस्ट्रास, रीमान, और इनसे भी पहले बोलजेनो ने एक डेफिनेशन दी, जिसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं, जिसे हम देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। लेकिन उनके लाइफ, जब तक वो जीवित रहे तब तक लोगों ने देखा नहीं इस काम को, और बाद में वो काम पता चला। इसी बीच में कॉसी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था कोर्स डी एनालिसिस,
कॉसी ने इस बुक में लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में बात करी, बाद में उस डेफिनेशन को वेस्ट्रास रिमान इन लोगों ने उसको और रिफाइन किया। तो हम लिमिट में जाने से पहले एक बार कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम लिमिट के बारे में देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और लिमिट के कॉन्सेप्ट में आते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इस पर हम बात करेंगे। इसमें जाने से पहले कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास एक फिक्स एरिया का एरिया गिवन है, ए जो है एरिया ऑफ ए सर्कल विच इज फिक्स सर्कल है जो कभी चेंज नहीं हो रहा। अभी उसका एरिया हम ए से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं इस तरह से वो सर्कल है, मान लो कि ये एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पर है, सर्कल सा नहीं है लेकिन इसको मान लेते हैं कि ये सर्कल है। हम क्या करते हैं, और दूसरा हम लेते हैं ए एन, वो सारे एन गॉन, इनसाइड दिस सर्कल ए, इस सर्कल का नाम सी दो, इनसाइड दिस सर्कल, इनसाइड दिस सर्कल सी। With vertices on the boundary, the boundary of C. In fact, हम regular n-gon लेते हैं, regular n-gon, ठीक है जी। तो जब n equal to 3 होगा तो इसका मतलब क्या बना, n equal to 3 के केस में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ये n इक्वल टू 3 यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। दूसरा और थोड़ा सा बड़ा करें इसको, n को और बड़ा बराबर नहीं है, बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इसमें बनाते हैं हम, n इक्वल टू 3 के केस में ये बना, n इक्वल टू 4 का केस, n इक्वल टू 4 के केस में ये एक रेगुलर 4 गन जो है वो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर बना n इक्वल टू 4, यहां पर ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल, n इक्वल टू 4 के केस में ये बनेगा क्या, स्क्वायर। n इक्वल टू 5 का केस अगर हम लें तो n इक्वल टू 5 में ये पेंटागन बनेगा, पेंटागन, ठीक है। इसके लिए दूसरा फिगर बनाते हैं, ये सेम वही सी है विद सेम रेडियस, रेडियस इसका जो इसका रेडियस होगा वही सेम रेडियस है, और एरिया दोनों को इस सर्कल का और इस सर्कल का एरिया बराबर है, रेगुलर पेंटागन, पेंटागन हम इसमें बनाते हैं हम, बहुत बढ़िया, ये पेंटागन बन गया, ठीक है। सो ये n इक्वल टू 5 वाले केस है। n इक्वल टू 6 देखें, n इक्वल टू 6 केस ये हेक्सागन बना। तो अब हम बात करते हैं, जो भी हमने पहले केस में ट्रायंगल बनाया था इसका एरिया क्या होगा, ए थ्री, ए फोर का एरिया क्या होगा,
और सो हमने 5/6 का एरिया हम देखते हैं, ए थ्री का एरिया क्या होगा? देखिए ए थ्री का एरिया हमारे पास क्या है, ध्यान से देखते हैं, ये ए एरिया ऑफ सर्कल है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये गिवन होता है तुम्हें, ये हम जानते हैं इक्वल टू पाई आर स्क्वायर गिवन है, तो ए थ्री ये फिक्स है इसलिए हम इसे कह रहे हैं गिवन एरिया है। तो हमारे पास आर फिक्स हो गया, ये पार्ट फिक्स हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या तरीका होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस 1/2 बेस इनटू बेस इनटू हाइट, इस आर की मदद से हम ये निकाल लेंगे, और ये वाला पार्ट हमारे पास आर है और ये हमें चाहिए, ठीक है, सब जान रहे हैं कि ये पूरा 60 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री होगा, ये वाला पार्ट इसको निकालते हैं कितना है, और उसकी मदद से इस 30 की मदद से ये और ये दोनों पार्ट निकलाएंगे, ये हमारा ये आर है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए एच नाम देते हैं, और इसका अभी इसका इसका नाम एक्स दे दें, सो एच इक्वल टू दिस एच अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, एंड x by r equal to cos 30 degree, so sin 30 is 1/2, so h equal to r by 2, and x this cos 30 means √3/2, x equal to √3/2 r, तो इसका मतलब ये total 2x area length है, length कितनी होगी, length of side this is equal to 2x, this is equal to √3r, and height क्या है, r plus h which is equal to r plus r by 2 which is equal to 3r by 2, अब ये बेस और हाइट फॉर्मूला पे मालूम है, बेस तुम्हारा √3 इंटू आर है, हाइट तुम्हारा 3r/2 है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करो, तो दिस इज 1/2, बेस इज √3r इंटू 3r/2, सो विच इज इक्वल टू 3√3 4 आर स्क्वायर, और ए फोर के लिए तुम जानते हो अगर हम ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर है जिसमें ये दिस इज इक्वल टू आर, सो दिस इज इक्वल टू 2r, दिस होल दिस इज इक्वल टू 2r, और तुम जानते हो ये और ये सेम है और ये 2r है, सो से दिस इज x, दिस इज x, एंड व्हाट विल बी, एंड ये 90 डिग्री है, ये 45 45, तो x कितना होगा, फिर से फार्मूला यूज करो, x अपॉन 2r इक्वल टू sin 45, सो x इक्वल टू sin 45 इनटू 2r, sin 45 इज 1/√2, so 1/√2 2r, this is equal to √2 r, ठीक, तो यहां से जो एक साइड है वो √2 r आई, दूसरी साइड भी √2 r है, so a4 equal to x square means 2r square, तो हम देख पा रहे हैं यहां से जो A3 का एरिया है और जो A4 का एरिया है
इन दोनों में A4 का एरिया बड़ा है। ऐसे हम A5 का एरिया निकाल सकते हैं, A6 का एरिया निकाल सकते हैं। ये तुम घर में अपना ये होमवर्क तुम देखना, A4, A5, A6, A7 और AN का एक जनरल फार्मूला होता है। AN का जनरल फार्मूला होता है, उसको हम कहते हैं क्या, 1/2 n r² sin 2π/n, 1/2 n r² sin 2π/n। ये जनरल एक एनगोन, रेगुलर एनगोन का फॉर्मूला, जो एक एक सर्कल ऑफ रेडियस r के अंदर जो रेगुलर एनगोन है उसका एरिया इससे गिवन होता है। अब जैसे जैसे ये n बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे n बढ़ता जाता है, तो मान लो हम एक दूसरा एनगोन बनाए, एक रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं, तो जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, देखो इनके बीच की ये एरिया बढ़ता गया, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो यहां से हमें एक, हम यहां से क्या मिला हमें, जैसे जैसे एन बड़ा, एज एन गोज टू इंफिनिटी, एज एन गोज टू इंफिनिटी, दिस ए एन गोज टू ए, ये पूरा का पूरा सर्कल को कवर करेगा। देखो पहले 3 के केस में बहुत पार्ट नहीं था, 4 वाले के केस में कुछ पार्ट अंदर आया, 5 वाले के केस में और पार्ट अंदर आया, बहुत कम छूटा हुआ है, 6 वाले केस में और भी कम छूटा, 5 से कम छूटा है, और उसके बाद हम एन बहुत बड़ा बनाए, तो ध्यान से देखें तो ये बहुत कम पार्ट अब छूट चुका है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम एन बढ़ाएंगे ये सर्कल को कवर करता जाएगा, पूरे सर्कल कवर करेगा, और एज एन गोज टू इंफिनिटी, ये जो ए एन है, जो एरिया ऑफ रेगुलर एनगन है, वो एरिया ऑफ सर्कल की ओर जाएगा एज एन गोज टू इंफिनिटी। तो ये एक उदाहरण है लिमिट का। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे रेगुलर एनगन की एनगन में एन साइड्स बढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो पूरे सर्कल को कवर कर रहा है, और उसका एरिया, रेगुलर एनगन का एरिया सर्कल के एरिया के बराबर होने लगा है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। एग्जांपल 2 हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, और इसकी लेंथ, दिस इज स्क्वायर S1 नाम देते हैं इसका, स्क्वायर 1, और मानते हैं इसकी साइड्स A1 है, तो इसका इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ S1, एरिया ऑफ S1 इक्वल टू A1 स्क्वायर। दूसरा एक S2 लेते हैं, इससे थोड़ा छोटा ले लें, जिसकी लेंथ A2 है, एरिया ऑफ S2 क्या होगा, A2 स्क्वायर। S3 देखें और छोटा लें, एरिया ऑफ S3 इक्वल टू A3 स्क्वायर। हम छोटा छोटा करते जाते हैं, और हर बार दिस इज A4, S4, एरिया ऑफ S4 इक्वल टू A4 स्क्वायर। अब यहां पर कुछ रिलेशन देखते हैं, मानते हैं A1 इक्वल टू 1 है, A2 इक्वल टू A1 बाई 2, A3 इक्वल टू A2 बाई 2, A4 इक्वल टू A3 बाई 2। सो A1 बाई 2 मीन्स कितना होगा, बताइए, A1 बाई 2 को A1 बाई 2 रहो, A2 बाई 2 मीन्स दिस इज A1 बाई 4, दिस इज बोलो A1 बाई 8। तो यहां से क्या देखते हैं, ये A1 स्क्वायर है, ये कितना आएगा A1 स्क्वायर बाई 4, ये कितना होगा
बताइए ए वन स्क्वायर बाय 16, ये कितना होगा ए वन स्क्वायर बाय 64। अब ऐसे ही हम एन को बढ़ाते जाए और ये छोटा होता जाएगा। ध्यान से देखिए, बड़ा था फिर उससे छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, छोटा हुआ, और ये छोटा छोटा होता जाएगा। लास्ट में तुम इसको और बहुत छोटा बनाते जाओगे तो तुम्हें दिख रहा है, अगर हम ये छोटा छोटा बनाते जाएं तो हम लास्ट में एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, हम एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर उसकी लेंथ जो उसको मैं ए इन्फिनिटी नाम दे रहा हूँ, उसको ए इन्फिनिटी जीरो, जहां पर हमारे पास लेंथ जीरो हो जाएगी। ये एग्जैक्टली लेंथ जीरो नहीं होगी, लेकिन ये क्या हो रहा है, जीरो के करीब आ रहा है। तो ये हो कह रहा है यहां पर जीरो के बहुत करीब आ रहा है, बहुत करीब, लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो रहा है। जीरो के करीब जा रहा है लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत छोटा छोटा होता जाएगा जीरो के बहुत पास, बहुत पास, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एन बढ़ता जा रहा है और वन बाई एन, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वन बाई एन छोटा होता जाता है। यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पर वन था, फिर वन बाई टू था, वन बाई फोर था, वन बाई एट है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे देखूँ तो ये किस फॉर्म का है, तो ए एन किस फॉर्म का होगा, तो ए एन किस फॉर्म का होगा बताइए, ए एन इक्वल टू ए वन बाई टू टू पावर एन, इस फॉर्म का होगा। और एरिया ऑफ एस एन जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ एस एन दैट विल बी ए वन स्क्वायर टू द पावर टू एन। और यहां पर हम फिर से देखते हैं एज एन गोज टू इंफिनिटी, एन जैसे जैसे बढ़ रहा है एरिया ऑफ एस एन दिस गोज टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा लेकिन ये जीरो के बहुत पास तक जा रहा है, जितने जितना पास हम जाते हैं उतना पास, एज नियर एज पॉसिबल हम उतने कहीं, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगा।